छतरपुर की एंजल रिचा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। लगातार उनके गीत धूम मचा रहे हैं। हाल ही में जी म्यूजिक कंपनी से 16 जनवरी को रिलीज हुए उनके नए पंजाबी गीत सिफारिश ने इंस्टाग्राम की रील पर धूम मचा रखी है। 3 दिन में ही सिफारिश गीत ट्रेंड पर आ गया है। हजारों लोगों ने रील्स बनाकर उसे बेहद सफल बना दिया है। पिछले 2 दिनों से सिफारिश गीत ट्रेंड पर बना हुआ है और देखकर ऐसा लगता है कि ये सिलसिला अभी काफी आगे जाएगा। YouTube की बात करें तो सिफारिश गीत को लोगों ने 3 दिन में ही 2 मिलियन से भी ज्यादा बार देख लिया है। अब एंजल रिचा एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां वे पंजाब, बॉलीवुड सहित साउथ इंडस्ट्री में भी अच्छी पहचान बना चुकी हैं। जिस तरह से वे साउथ के दिग्गज कलाकारों, डायरेक्टर्स के साथ निरंतर मुलाकात कर रही हैं, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे जल्द ही किसी नए एल्बम या फिल्म में साउथ के बड़े पर्दे पर नजर आ सकती हैं। तो आइए सुनते हैं इस सफलता पर एंजल रिचा ने पेप्टिक टाइम के दर्शकों के लिए क्या कहा। नमस्कार, जय श्री राम। सर्वप्रथम आप सभी को रामलला के अयोध्या आगमन पर अनंत शुभकामनाएं एवं 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ उस दिन आप सभी मिलकर दिवाली बनाएं और दीपक जलाएं, लाइटिंग्स करें और अपने ही घरों पर रहकर उनका स्वागत करें। इसके साथ साथ छतरपुर की एंजल रिचा, हाँ आपके छतरपुर की एंजल रिचा, आपके बुंदेलखंड की बेटी, और भी कई सारी शुभ सूचनाएं हैं जो आप सभी को देना चाहती हैं। जैसे कि हाल ही में रिलीज हुए मेरे गाने सिफारिश, जो कि एक पंजाबी गीत है, उसको आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि सिर्फ 3 से 4 दिन में वो 2 मिलियन से ज्यादा उस पर व्यूज आए और इंस्टाग्राम के ऑडियो प्लेटफॉर्म पर उसकी रील्स को आप सभी ने मिलकर ट्रेंडिंग पर उसको आप लाए और इतनी हजारों रील्स बनाई कि आज वो पिछले 2 दिन से ट्रेंड कर रहा है, जिसके लिए मैं आप सभी का सहृदय धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं कि जिस तरह से निरंतर हमारे ये जो गाने मैं जो बना रही हूँ, जिस तरह से आप सभी की बेस्ट विशेस से उसका परिणाम और फल प्रतिफल ये होने वाला है कि आप सभी अपने छतरपुर की बेटी को बहुत जल्दी साउथ के बड़े पर्दे पर देखने वाले हैं। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि जिस तरह से निरंतर बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनियों के साथ हमारे जो गाने आ रहे हैं, जैसे कि जी म्यूजिक कंपनी से रिलीज हुआ 16 जनवरी को, और उसी तरह से आज एल्बम इंडस्ट्री से निकलकर मैं साउथ इंडस्ट्री में लगातार जिस हिसाब से KGF सलार के बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों से जो मेरी मुलाकात हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं, उनसे आप ये आशा कर सकते हैं कि आप बहुत जल्दी साउथ के बड़े पर्दे पर मुझे देख सकते हैं, जिसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ शुभकामनाओं की। और आशा करती हूँ कि आप सभी जिस तरह से निरंतर मुझे मैसेजेस करते हैं और DMs करते हैं कि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं छतरपुर एक बार आऊँ, तो एक बार नहीं, मैं बार बार आना चाहती हूँ। अब तो श्री राम प्रभु भी अयोध्या आ चुके हैं, तो फिर मुझे लगता है कि एक बार, कई वर्षों से मैं अभी तक छतरपुर नहीं आई हूँ, तो एक बार अब मैं जरूर आऊँ। मेरी दिली ख्वाहिश है ये कि मैं जल्दी ही छतरपुर आऊँ, आप सभी से मिलूँ, रूबरू हूँ और कुछ कला के माध्यम से आप सभी को मनोरंजित कर सकूँ और भी कई सारी चीज़ों पर, विषयों पर चर्चाएं कर सकूँ। तो इसी के साथ मैं आप सभी से फिर से पुनः शुभकामनाएं चाहती हूँ कि यूं ही अपना आशीर्वाद, प्यार और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और आगे बढ़ाते रहें, और एंजल रिचा को सुनते रहें। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो एंजल रिचा से सर्च करके। तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम।